कन्नौज पहुंचे सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड पर हमला बोला, कहा बिहार में गठबंधन टूटने का विपक्ष जिम्मेदार है। उन्होंने कहा गठबंधन से ऊब कर नीतीश जी ने किनारा कर लिया है। गठबंधन में धरातल पर काम न होने से ऊबे नीतीश जी अलग होकर एनडीए में शामिल हुए हैं। मौजूदा राजनीति को उन्होंने अवसरवादिता की राजनीति बताते हुए कहा कि अब जो गठबंधन हो रहे हैं वो अवसरवादिता के हैं। बार बार गठबंधन बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से पूछिए, वो भी तो कई कई बार कई कई दलों में गठबंधन कर चुके हैं। वो दल बदले तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। योगी सरकार में मंत्री न बनाए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। बिहार का काम हो चुका है, अब यूपी की बारी है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, आपकी भावना की कत्र हो जाएगी। गठबंधन से जनता की भावनाओं को ठेस लगने के सवाल पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जनता बहुत समझदार है, वो 5 किलो राशन में खुश है। जो विपक्षी गठबंधन बना उस गठबंधन से ऊब करके नीतीश जी जब उन्होंने देखा कि ये गठबंधन के लोग सिर्फ कमरे में बात करते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं, तो वो ऊब गए और ऊब करके उन्होंने किनारा कस लिया। देखिए हमारी लड़ाई सीट की नहीं है, हमको सरकार नहीं बनानी है। हम जो वंचित शोषित हैं, जिनके दरवाजे आज तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिनको स्वास्थ्य नहीं आज तक स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, जिनके यहाँ रोजगार नहीं पहुंचा, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो रिजर्वेशन 27% है उसको बांट करके सबको देने की कवायद हो रही है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराना मकसद है, इन चीजों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। बहुत कुछ किया राशन, आपको पता नहीं, 5 किलो आप देखो, नहीं सुनो, 5 लाख आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का गरीबों की इलाज उसका लाभ मिला, पता करो, पता करो, भावना में न बहो, भावना नहीं, मैं तो क्या भावना में न बहो। 5 लाख आयुष्मान कार्ड पर इलाज के लिए 5 लाख पहली बार योजना है, किसान सम्मान निधि पहली बार योजना है, गरीबों के खाते खुले बैंकों में पहली बार, बड़े पैमाने पर खाते खुले, लोग खाते नहीं खोल पाते थे बैंकों में, कहां से बात कर रहे हैं। अलीगढ़ में हो रही बंजारा रैली में जा रहे सुभाषपा प्रमुख थोड़ी देर के लिए कन्नौज में रुके, पार्टी समर्थकों के घर पर जलपान किया और फिर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए।